हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, इस वीडियो में जामिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और अब तक जो भी अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICOE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड पे जामिया इस्लामिया का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आते ही एक तो सबसे पहले जो अपडेट है वो आपको बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट के थ्रू जामिया में फॉर्म अप्लाई किए थे उनका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। एक सेकंड में अभी ये रहा, ये सभी इनका रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं प्राइवेट के थ्रू कौन सा 10th और 12th में जो भी स्टूडेंट्स इनरोल किए थे। दूसरा अपडेट यहाँ पे यह है कि जो भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, हमने डिस्टेंस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, बाकी अगर डिस्टेंस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये क्या है इस वीडियो में कि जो भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस के थ्रू पीजी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में, सर्टिफिकेट कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मतलब इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, पहले ये आप उसके प्रोस्पेक्टस पढ़िए उसके बाद ही सोचिएगा, क्योंकि मैं बेहतर यही मानता हूँ कि जो स्टूडेंट दिल्ली में है उन लोगों के लिए डिस्टेंस का कोर्स करना सही होगा, जो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली से उनके लिए बेहतर नहीं होगा वही कहना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई खास फैसिलिटीज़ मिलता नहीं है आपको, लाइब्रेरी एक्सेस करने का फैसिलिटी मिलता ही नहीं है, जो मेन लाइब्रेरी है जामिया का, कैंपस में ज़्यादा विजिट करने का भी फैसिलिटी नहीं मिलता, इनको सिर्फ सैटरडे संडे में क्लास चलता है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का, खासकर स्कूल वाले स्टूडेंट्स का सेकंड लिस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के वरियर है, तो मेरे ख्याल से इस वीक में यानी कि आज से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है, अब तक तो बंद था, तो आज से ऐसा हो सकता है, आज के बाद से ऐसा हो सकता है कि सेकंड लिस्ट या जिसका अभी तक फर्स्ट लिस्ट नहीं है उनका भी लिस्ट आना शुरू होगा। इसके साथ ही RCA हो गया या PhD प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो गए, उन सभी का रिजल्ट हो सकता है इस वीक के बाद से या इस वीक के अंदर में या अब बहुत जल्द स्टार्ट हो, मैं ही कहना, क्यों, क्योंकि इससे पहले 3-4 दिनों तक जामिया कैंपस कंप्लीट शटडाउन था यानी बंद था, तो अब इसके बाद यूनिवर्सिटी ओपन हो रहे हैं तो आपके भी काम शुरू हो जाएंगे। बाकी BTEC वाले स्टूडेंट को मैं ही कहना चाहूँगा कि वो यही कि आप बड़ा सिंपली थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और जब भी आएगा आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिएगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स क्या कहा जाए, नोटिफिकेशन फॉर री टोटलिंग या फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक री एवेल्युएशन, अगर आप अपना री एवेल्युएशन कराना चाहते हैं तो आपको 10th 12th के स्टूडेंट्स को सिंपली इस पर क्लिक करना है। और एक बात और यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको सिंपली जामिया गेट नंबर 20 पे जाकर विजिट करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने रिजल्ट को लेकर भी बता दिया, फॉर्म को लेकर भी बता दिया और लेटेस्ट में जो अपडेट है उसको लेकर भी बता दिए, बाकी ये रहा काउंटर नंबर 8 पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर नंबर 8 पे, और आपके पर सब्जेक्ट के हिसाब से 300 चार्जेज लगेंगे। खैर नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू।